दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का एक पोल्ट्री फार्म योजना यहाँ पे लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पे 50% तक का यहाँ पे जो लाभ है, यानी कि जितना भी आप लोग का लागत होगा उसका 50% पैसा जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे मिलने वाला है। सरकार की तरफ से जो है यह योजना आप लोग का युवाओं के लिए, यहाँ पे जो किसान है उनके लिए यहाँ पे लागू किया गया है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द जो है इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। इसमें जो है आप लोग को यहाँ पे जितना भी पैसा लगता है, जो भी आप लोग को यहाँ पे लागत होता है, उसमें जो है आधा पैसा सरकार देगी और आधा पैसा आप लोग को यहाँ पे लगाना होगा तो आप जो है इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसको लेकर जो है सूचना भी आप लोग को यहाँ पे जारी किया गया, कुछ इस तरीके से जो है आज के पेपर कटिंग में आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिया गया कि आप लोग को 50% तक का जो सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं कि बिहार पोल्ट्री फार्म योजना के लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते, किस तरीके से आप लोग को यहां पे लाभ मिलता है। मैं आप लोग को ऑफिशियल जो नोटिस है उसके माध्यम से यहां पे जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, मेरे पास यहां पे एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। ये आज ही का आप लोग का पेपर कटिंग है और हिंदुस्तान पेपर का आप लोग का ये पेपर कटिंग है। इसमें आप लोग का जानकारी दिया गया कि मुर्गी पालन पर 50% तक सब्सिडी है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए आप लोग का 50% जो सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि आधा जो आप लोग का पैसा है, जो भी आप लोग का खर्च होगा उसका आप लोग का आधा पैसा सरकार की तरफ से आप लोग वहाँ पे दिया जाने वाला है। यहाँ पे आप लोग को जानकारी दे दोस्तों कि पोल्ट्री फार्मिंग 2023 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि अब मुर्गी पालन पर मुश्किल काम नहीं रह गया है, कई किसान खेती के साथ साथ मुर्गी पालन का भी रोजगार अपना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान है और जो युवा है उनके लिए जो है आप लोग पे मुर्गी पालन का ये जो योजना है वो आप लोग पे लागू किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि इससे अंडे और मांस का अच्छा उत्पादन होता है और किसान ऑफ सीजन में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थोड़ी बहुत रख रखाव की जानकारी और कुछ दिनों का प्रशिक्षण काफी होता है। अगर बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन शुरू करना है तो सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 50% तक सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा मुर्गी पालन के लिए नवाडा द्वारा कम दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आप लोग को पैसा दिया जाता है, जिसमें कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आप लोग को 50% कहाँ पे जो सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है। साथ में अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो नवाडा के तहत आप लोग कहाँ पे जो बैंक के द्वारा आप लोग को लोन भी यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि कम दरों में आप लोग कहाँ पे ऋण मिलता है, यानी कि कम आप लोग कहाँ पे इंटरेस्ट इस पे लगता है, तो वो ऋण भी आप ले सकते हैं और इस बिजनेस को यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अब इसके लिए जो पहले भी आप लोग का आवेदन शुरू किया गया था तो उसका जो है एक नोटिस हमारे पास पड़ा हुआ है। ये जो है एक पुराना नोटिस है, जब यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया था तो ये नोटिस आप लोग कहाँ पे जारी किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को जानकारी दिया गया कि ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की योजना, तो इस तरीके से आप लोग कहाँ पे जो बिहार सरकार की तरफ से भी एक योजना चलाया जा रहा था जो कि बहुत ही पहले आप लोग कहाँ पे चलाया जा रहा है, यानी कि हर साल जो है इसके लिए आप लोग का आवेदन होता है। हर साल जो है इस तरीके का जो योजना है वो सरकार की तरफ से आप लोग कहाँ पे लागू किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को जानकारी दिया गया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक युवक युवती मुर्गा पालक विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत 21 दिनों तक जो है विभाग का यहाँ पे वेबसाइट दिया गया। इस वेबसाइट पर जाकर जो है आप अपना यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होता है। अब इसमें जो है क्या क्या आप लोग का डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो आप लोग कहाँ पे रसीद लगता है, LPC लगता है, अगर आप लोग जो है दूसरे लीज पर यहाँ पे जमीन लिए तो उसका पेपर आप लोग कहाँ पे देना होता है, आप लोग कहाँ पे बैंक पासबुक लगता है, ये सब जो है आप लोग कहाँ पे लगता है। साथ में आप लोग कहाँ पे जो है 5 दिन का जो प्रशिक्षण है, यानी किस तरीके से मुर्गी पालन आप लोग को करना है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जाति प्रमाण पत्र आप लोग का लगता है, इस तरीके का आप लोग कहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आप लोग का लगता है। अब इसमें जो है किसी को भी लाभ दिया जाता है, यानी आप किसी भी श्रेणी से आते हैं तो आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया है कि सामान्य जाति से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो है 3000 ब्रॉयलर मुर्गा का यहाँ पे जो है फॉर्म आप लोग को खोलना होगा, जिसमें कि यहाँ पे 61 आप लोग का लक्ष्य रखा गया है और इसमें जो है कुल 9 लाख रुपए का लागत आप लोग का सरकार की तरफ से यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे जो है आप लोग को जो 30% का जो पैसा है वो आप लोग को सरकार की तरफ से यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि 30% जो भी आप लोग का होता है 9 लाख का, यानी कि 2.70 लाख रुपया जो है वो आप लोग को अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उसके लिए जो है अलग अलग आप लोग यहाँ पे योजना है, जिसमें कि 50% जो है आप लोग पे लागत का लाभ मिलता है, यानी कि 4.5 लाख रुपया जो है वो सरकार की तरफ से आप लोग को अनुदान के रूप में यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे योजना चलता है। यह योजना जो पहले भी आप लोग का आ चुका है और इसके लिए जो है आवेदन हो चुका है। अगर आप लोग को इसके बारे में और डिटेल में जानना है, इस पोल्ट्री फार्म योजना के बारे में और जानकारी आप लोग को लेना है, तो इसके लिए जो है मैंने आप लोग को यहाँ पे पूरा जानकारी दे रखा है। आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप जैसे अपने गूगल में लिखिएगा YTDC तो सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऊपर में ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा बिहार पोल्ट्री फार्म योजना, तो यहाँ पे जो है आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का पोस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो पूरा जानकारी दे रखा है, आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़
लीजिएगा, सारा जानकारी आप लोग वहां पे देखने को मिल जाएगा, कितना ऋण मिलता है, कितना आप लोग वहां पे जो अनुदान मिलता है, सारा कुछ आप लोग वहां पे बताया गया। आपको जो सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आने के बाद यहां पे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स में यहां पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, अगर ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है तो यहां पे लिंक आप लोग का मिल जाएगा, नहीं तो यहां पे जो आप लोग का नोटिस है, आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे जानकारी निकल के आ रही है। अगर आप पोल्ट्री फार्म योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अपना पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी योजना हो सकती है और जल्द जो है इस योजना के लिए आप लोग का आवेदन शुरू किया जाने वाला है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए धन्यवाद।